हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस लीट कोड डेली चैलेंज एंड दिस इज डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट कैसे करेंगे? हमारा टास्क है कि हमको एक नम्स का एरे दे रखा है एंड हेड दे रखा है लिंक लिस्ट का। ठीक है, लिंक लिस्ट का ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न दी हेड ऑफ दी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द नोड्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नम्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होगी कि यहाँ पे हम जाएंगे लिंक लिस्ट में, ट्रेवर्स करेंगे और जो भी नोड है उसको इस लिस्ट में ढूंढेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, जो नहीं होगा उसको रखेंगे, जो होगा उसको डिलीट मार देंगे। जैसे ये है, वन है, वन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसको डिलीट मार दिया। टू है, टू को डिलीट मार दिया। थ्री है, थ्री को डिलीट मार दिया। फोर फाइव बचे, इनको रखा और इनको रिटर्न कर दिया। लेकिन ये होगा कैसे एक्चुअल में, स्टार्ट कैसे करेंगे ट्रैवर्स करना, कैसे डिलीट करेंगे नोड को, ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसे क्या करना है, हमारे लीट कोड के लिंक लिस्ट क्वेश्चन या फिर कहीं के भी लिंक लिस्ट क्वेश्चन का बेसिक रूल है कि एक डमी नोड बना लो। अगर आप डमी नोड बना लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ट्रैक करना। आपको ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा कि हेड कहाँ है अभी मेरा, आपको पता होगा डमी का नेक्स्ट विल बी और हेड। तो लेट्स से कि हम एक नोड बनाते हैं, ये -1, ठीक है, ये जाएगा टू पे, दिस विल बी गो थ्री, देन फोर, देन फाइव। कॉल दिस एज योर डमी, दिस इज डमी, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस नोड। डमी एंड प्रीवियस आर एट द सेम पॉइंट बिकॉज आर करेंट विल बी फ्रॉम हियर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो डमी और प्रीवियस हमारा स्टार्टिंग में होगा जो कि -1 नोड है। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट भी नहीं करता बट हमने बनाया है, और बाकी नोड्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। सॉरी, वन टू, वेट, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस वन इज फाइव हियर। ओके, दिस इज द करंट, बी नो आर करंट। ओके, इफ अगर ये करंट वाला नम्स में प्रेजेंट है, इसके लिए एक कोड लिखना पड़ेगा कि चेक कर लें कि हाँ नम्स में प्रेजेंट है। तो सिंपल तरीका क्या है कि जो भी वैल्यू है उसको नम्स में ट्रेड करो और पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है चेक करने का। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन होगी, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमें वन बाई वन चेक करने पड़ रहे हैं। बट अगर हम क्या करें, एक बार ये सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करके एक सेट में डाल दें या फिर एक मैप में डाल दें, तो क्या होगा, हमें पता है कि कौन कौन सा एलिमेंट है और बिनो की अनऑर्डर्ड सेट की या फिर अनऑर्डर्ड मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लुकअप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होती है इन एवरेज केस। तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि ओ ऑफ वन में, यू डोंट नीड टू ट्रेवर्स होल एरे अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब करंट की वैल्यू देखी, क्या इस एरे में है, उसने बोला हाँ है, हाँ है। इसका मतलब क्या है कि ये नोड अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये नोड अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे यहाँ से। वी विल क्रिएट अ लिंक फ्रॉम हियर
टू हियर, ओके, और करंट करंट हमारा बढ़ जाएगा एक से आगे, करंट अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा करंट आ गया, ये बढ़ गया, करंट आ गया, फिर से इसे चेक करा यहाँ पे कि क्या अब ये नोड एग्जिस्ट करता है नम्स में, उसने बोला हाँ, यहाँ पे हम ये नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वी डोंट नो कि आगे कितने नोड आएंगे जिसको यहाँ से डायरेक्ट जोड़ना पड़े, हमारा अभी तक जो फर्स्ट नोड है वो ही डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो टू पे गए, टू पे हम फिर देखेंगे, टू देखा तो हाँ ये भी मिल गया, अब यहाँ से जो डायरेक्ट लिंक थी ये हमें तोड़नी पड़ेगी, इसकी जगह एक और लिंक बनेगी ये वाली, ठीक है, और करंट हमारा यहाँ आ गया फिर से, वो अपडेट नहीं होंगे, प्रीवियस नोड अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक करा, थ्री थ्री भी है प्रेजेंट एरे नम्स में, तो इसको भी डिलीट मारना पड़ेगा, चलो इसको भी डिलीट मार देते हैं, अब एक नई डायरेक्ट एज बनेगी यहाँ से यहाँ पे, अब हम करंट को यहाँ पे लेके आए अपना, अब ये जो करंट है फोर, क्या यहाँ पे इसे कर सकते हैं क्या डिलीट, नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो करंट एज यूजुअल अपना आगे जाएगा, बट जो प्रीवियस था, प्रीवियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आप दिस इज द प्रीवियस, फिर हम करंट पे गए, क्या ये एग्जिस्ट करता है, नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा ये पहुँचेगा एंड पे, जो कि यहाँ पे नल है, दिस इज नल, एंड प्रीवियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा इटरेशन हुआ सिंगल पास में, और उसने रिलेशंस जो लिंक थी उनको चेंज करता गया कि कैसे ये मॉडिफाई होगा, तो अब अगर इसका फाइनल आउटपुट ड्रॉ करें तो क्या है, ये डमी है, डमी माइनस वन एग्जिस्ट करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट गया है फोर पे, और ये कहाँ जाएगा फाइव पे, क्योंकि और कोई लिंक ब्रेक नहीं हुई है, तो जो डमी का नेक्स्ट हमारा आंसर होगा, डमी का नेक्स्ट क्या है, ये वाला, तो ये हमारा आंसर होगा 4.5, और यही हमारा आंसर है, यहाँ पे से देख सकते हैं, ठीक है, एक बार इसको भी ट्रैवर्स करके देखते हैं, ओके सो हाँ, यहाँ पे लेट्स से कि अगर हमारा माइनस वन है स्टार्टिंग में, तो ये हमारा डमी होगा, यही हमारा प्रीवियस होगा, एंड दिस वन इज करंट, ठीक है, अगर हम वन से गए, वन देखा, वन है क्या, हाँ है, हमने ये वाली लिंक तोड़ेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, करंट हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे देखा ये नहीं है, नहीं है, तो अब ये वाला नोड हमारा प्रीवियस हो जाएगा और करंट हमारा होगा ये वाला, ठीक है, अब हमने चेक करा क्या ये वाला प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है, तो इस नोड से अब डायरेक्ट लिंक बनेगी यहाँ, ये वाली डिलीट हो जाएगी, फिर करंट मेरा यहाँ पे आया, तो क्या ये प्रेजेंट है, नहीं ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हमारा कुछ नहीं करना, हमको आगे बढ़ जाना है, तो आगे बढ़ गए हम फिर से, ये हमारे यहाँ पर करंट आ गया, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है, बट प्रीवियस हमारा अपडेट होके यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ से डायरेक्ट एक लिंक बनेगी ये, फिर करंट हमारा यहाँ आ जाएगा और प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा, सॉरी जो करंट, यस या तो करंट तो अब हमारा आगे पहुँच गया है फिनिश लाइन पे, क्योंकि तो नल पे पहुंच गया है, तो हमारा लूप एंड हो जाएगा और हमारा आंसर में क्या बचेगा, दिस इज माइनस वन, दिस इज टू, टू
एंड टू, और डमी का नेक्स्ट हमारा आंसर है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कोड करते हैं, ठीक है। ये मैंने तो ऑलरेडी कोड कर रखा है, बट इसको डिलीट करके एक फ्रेश कोड लिखते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक डमी वेरिएबल चाहिए, एक प्रीवियस चाहिए और एक करंट चाहिए। उसका टाइप क्या होना चाहिए, लिस्ट नोड। तो हम डिक्लेयर करते हैं फास्ट, दिस इज डमी, दिस इज स्टार प्रीवियस एंड स्टार करंट, ओके। एंड वी नीड वन थिंग, दिस अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट, ओके, अनऑर्डर्ड सेट। एंड व्हाट वी नीड सेट इस नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स जो नम्स में प्रेजेंट हैं उसको सेट में डाल देगा, अनऑर्डर्ड सेट में आराम से ये इनको सबको डाल देगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, फिर डमी हमें पता है, डमी को क्या करना है, डमी को हमें असाइन करना है न्यू लिस्ट नोड -1, ये हमारा नोड हो गया। और डमी का जो नेक्स्ट होगा वो स्टार्टिंग में हमारा हेड को पॉइंट करेगा, एंड जो करंट होगा वो एक्चुअल में हमारा हेड होगा। यहाँ पे हेड को भी डायरेक्ट ले सकते थे, बट अच्छा कोड दिखने के लिए ये करंट को हम हेड असाइन करेंगे, एंड प्रीवियस हमारा क्या होगा, वो डमी होगा। अब हमें एक लूप इटरेट करना पड़ेगा व्हाइल, जो कि करंट, जब तक करंट है वो जाएगा, और करंट स्टार्टिंग में हेड से स्टार्ट होगा, तो जब तक करंट है वो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसमें हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने सेट बनाया था जिसका लुकअप टाइम O(1) हो, ठीक है, तो उसमें चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू मिल गई मुझे, अगर ये मिल गई तो वो एंड को पॉइंट नहीं करेगा। अगर ये मिल गई है दैट मीन्स प्रीवियस है, जो प्रीवियस का नेक्स्ट था हमारा वो हो जाएगा एक्चुअल में करंट का नेक्स्ट, ऐसे हमारा प्रीवियस होगा। एल्स कंडीशन में क्या होगा, प्रीवियस होगा वो हमारा करंट होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा ना। एंड नेक्स्ट क्या होगा, करंट क्या होगा हमारा, करंट को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, करंट भी एक आगे चला जाएगा, ये करंट थोड़ा आगे चला गया। और नेक्स्ट हमारा कोड तो कंप्लीट हो गया, इतना ही कोड है, नेक्स्ट होगा हमारा रिटर्न, रिटर्न करेंगे डमी का नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यही हमारा था। अब रन करके देखते हैं इसे, आई थिंक वी हैव सम एक्स्ट्रा, ये देखो यहाँ पे चल गया, सबमिट करते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है, लाइक ये रैंडम होता है कि कम है ओ ऑफ, बट ये ओ ऑफ एन वाला सॉल्यूशन है। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन क्यों है, क्योंकि हमने एक सेट यूज करा है और इसमें हमने सारे एलिमेंट्स रखे हैं, और एज वी नो कि ये डुप्लीकेट्स नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स आए हैं इसमें, ओ ऑफ एन है। अगर हम इसे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ती, क्योंकि हर बार हमें चेक करना पड़ता, तो दैट मीन्स वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाती। अब इस केस में हम इसको पूरा एक ही बार रोटेट कर रहे हैं, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी है ओ ऑफ एन।
अगर ये सेट नहीं, स्पेस यूज़ नहीं करते जो हमने पहले सॉल्यूशन डिस्कस करा था, उस केस में क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी ओ ऑफ वन, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती, वो हो जाती ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज हमें ये वाले एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स में ट्रेवर्स करना पड़ता और इनमें चेक करना पड़ता हर बार वन बाई वन. तो एक सॉल्यूशन ये है, दिस इज नॉट द आइडियल सिनेरियो, बट ये वाला केस आइडियल है कि क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो रही है. ठीक है, तो इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. होप ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.